हाय गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल इस वीडियो में आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि आई फोन का बैटरी रिव्यू 2022 में कैसे चलने वाला है आई फोन कैसा डिवाइस रहने वाला है आपके लिए अगर आप सेकंड हैंड मार्केट से परचेज़ करने जा रहे हैं आई फोन को जैसे कि गाइज़ आप देख सकते हैं मेरे पास है आई फोन एक्स आर और ये जो है ब्लैक कलर वाला आई है जो कि मुझे ओलेक्स पर डील मिली थी और मैंने ये जो फ़ोन है आलमोस्ट एटीन uh, थाउजेंड से 19,000 थाउजेंड के बीच में बाइक ये है, आई डोंट नो क्या प्राइस no. इसका एक्जैक्टली, आई एम सॉरी सो गाइज इस आई फोन में कौन सी ऐसी खासियतें हैं कि यहाँ पर ये आई फोन जो है सबसे सस्ता हमें जो आई फ़ोन मिल रहा है ये जो आई फोन है वो ऐसा आई फ़ोन है जो कि हमें सबसे सस्ता और टॉप ऑफ द लाइन जो है स्पेक्स प्रोवाइड कर रहा है सबसे सस्ता कहने का मतलब ऐसा डिवाइस जिसमें फेस आईडी भी मिलती है फुल व्यू डिस्प्ले भी है और पोर्ट्रेट मोड भी है सेकेंडली इतनी बढ़िया बैटरी भी है और लास्टली आईफोन एप्पल का लोगो लगा हुआ है और इसका मैं सस्ता इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये ऐसा डिवाइस है जो कि हमें नॉच के साथ जो कि बेस्ट स्पेक्स प्रोवाइड कर रहा है बेस्ट स्पेसिफिकेशंस मिल रही हैं इसकी जगह पर मैं आईफोन 10 भी सेट कर सकता था लेकिन 10 में कुछ कमियां हैं जो कि इसमें नहीं हैं तो चलो चलोगाइज इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आपको मैं बताऊंगा कि आईफोन एक्स आर में कैसा रहेगा आपके लिए इसकी क्या खासियतें हैं यहाँ पर ड्रॉबैक्स आपको क्या देखने को मिलेंगे इस डिवाइस में बहुत ही कम हैं लेकिन हैं और यहाँ पर बैटरी बैकअप कैसा रहेगा अगर आप न्यू बैटरी भी रिप्लेस करवाते हो या फिर 80% परसेंट से अबव वाली हेल्थ वाली बैटरी यूज़ करते हो चलो गाइज इस वीडियो को बिना किसी देरी से शुरू करते हैं सबसे पहले कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस जो कि आईफोन 10 टेन में नहीं है और आई एक्स में है सबसे पहली चीज़ गाइज सबसे पहली चीज़ कि आई एक्स में डुअल सिम स्पोर्टेड है ये एक ऐसी चीज़ है बहुत लोगों के लिए मायने रखती है क्योंकि आईफोन जो है काफ़ी लोग इसी कारण नहीं लेते क्योंकि वो डुअल सिम सपोर्ट नहीं करते लेकिन आजकल के जो आईफोन हैं आईफोन एक्सआर से जो आईफोन आगे वाले आ रहे हैं जैसे कि आईफोन एक्सआर एक्स आर आई फोन एक्स एस एक्स मैक्स एलेवन एलेवन प्रो ट्वेल्व ट्वेल्व सीरीज़ और थर्टीन सारी की सारी सीरीज़ गाइज इन आईफोन्स में जो है एक तो सिम फिज़िकल सिम कार्ड इंस्टॉल होती है यहाँ पर आप देख सकते हैं आई फोन एक्स आर में यहाँ पर हमें नीचे की तरफ जो है सिम कार्ड ट्रे देखने को मिलती है लेकिन आई फोन एक्स में ऊपर है लेकिन वो तो उसकी फ़िजिकली इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं मदरबोर्ड के वो चीज़ डिपेंड कर रहे हैं लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आई फोन एक्स आर जो है ई सिम कार्ड भी सपोर्ट करता है जिसके कारण आप डुअल सिम इस फ़ोन में चला सकते हो बहुत शानदार ये तरीका है बहुत सही मैथड है बिना मतलब सिम इंस्टॉल किए डुअल सिम चलानी सेकेंडली गाइज आई फोन में इसकी जो परफॉर्मेंस है वो आई फोन से काफ़ी इम्प्रूव्ड है काफ़ी इन्हांस्ड है थर्डली गाइज आई फोन के जो कैमराज हैं वो आई फोन से नो no डाउट कहीं ज़्यादा बढ़िया हैं कहीं ज़्यादा बढ़िया है, है. क्योंकि यहाँ पर आई फोन का जो सेल्फ़ी कैमरा है बहुत ही सही है आई फोन से अगर मैं कंपेयर करूँ तो गाइज जो आई फोन का जो सेल्फी कैमरा है उसमें नॉइस बहुत ही कम देखने को मिलती है हाई गाइज Hmm, अच्छा लग रहा हूँ ना ओके नो प्रॉब्लम सॉरी हाँ मतलब आई फोन एक्स आर के कैमरा में जो नॉइस है सेल्फी कैमरे में बहुत ही कम देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू आई फोन टेन आई फोन टेन मैंने तीन साल यूज़ किया है लेकिन आई फोन एक्स आर को मुझे ऑलमोस्ट एक मंथ या डेढ़ मंथ हुआ है मे बी इससे कम ही है सो so, ये मैंने जो आई फ़ोन यूज़ किया है मुझे इसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिली है और सेकेंडली इसका जो स्पीकर हैं वो लकीली आई फ़ोन टेन से ज़्यादा लाउडर हैं मैंने जस्ट इसकी जस स्पीकर क्वालिटी के लिए ही मैं इसमें एक सॉन्ग्स वगैरह सुनता हूँ यहाँ तक कि मुझे थर्टीन प्रो से ज़्यादा लाउडर लगा है इसका स्पीकर मोर पंचियर मोर बेसियर लगा है थोड़ी इसकी बेस भी ज़्यादा निकलती है क्योंकि मे बी इसका थोड़ा मोटा डिज़ाइन होने के कारण स्पीकर को काफ़ी ज़्यादा जगह मिली हुई है थोड़ा लाउडर बनने के लिए ऊपर वाला स्पीकर जो स्टेडियो स्पीकर हम बोलते हैं जो कि एयर पीस वाला है वो भी लकीली बहुत ज़्यादा लाउडर है अगर आपके स्पीकर्स में डर्ट वगैरह नहीं जम रखी है और इस फेस आई के मामले में आईफोन टेन से भी फास्ट है आ, क्योंकि यहां पर जब मान लो मैं लेटा हुआ होता हूं तो आईफोन टेन जो है मुझे उठने के लिए मजबूर करता है कि अपना थोड़ा सा सिर को ऊपर उठाइए फिर मैं अनलॉक करूंगा लेकिन आईफोन एक्सार या ऐसे जो आगे वाले डिवाइसेस हैं इनमें ऐसा नहीं है कहने का मतलब जो इनका डॉट प्रोजेक्ट है वो आई फोन टेन से काफ़ी इनहांसड है लेकिन गाइज़ बैटरी बैकअप की बात करूँ सो आई फोन टेन आर कहीं ज़्यादा आगे है मे बी दूसरे डिवाइसेज से भी मे बी कहने का मतलब आई फोन ट्वेल्व से भी मे बी आगे हो या फिर टेन एस मैक्स जितना हमें बैटरी बैकअप से ज़्यादा मिलता हो टेन एस मैक्स से भी क्योंकि वो बड़े साइज़ का डिवाइस है उससे भी मे बी ज़्यादा मिलता हो क्योंकि गाइज़ यहाँ पर दो रीज़न्स हैं सबसे पहला कि ये जो फ़ोन की जो डिस्प्ले है वो आई पी एस पैनल है सेकेंडली गाइज इस फोन की जो डिस्प्ले है वो एच डी पैनल है फुल एच डी या फोर के पैनल नहीं है या टू के पैनल नहीं है इसका मतलब ये है कि ये जो पिक्सल्स हमें प्रोवाइड कर रहा है ये सिर्फ हमें सात सौ बीस की क्वालिटी के लिए प्रोवाइड कर रहा है इसकी जो इतनी क्लैरिटी नहीं है इतनी इसमें जान या कह सकते हैं एप्पल की डिस्प्ले है नो डाउट बढ़िया है लेकिन अगर हम नॉर्मल अगर आप नॉर्मल बनते हैं कि जैसे जैसे आपको नहीं पता है डिस्प्लेस के बारे में सो आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इस आईफोन से आईफोन 11 और आईफोन एक्स की जो डिस्प्ले है वो सेम है एक्जैक्टली सेम है गाइज ऐसा ऐसी बात नहीं है कि कलर्स नहीं अच्छे कलर्स बहुत ही ब्राइट हैं बहुत ही पंची हैं और सनलाइट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बस जब बात आ जाती है ना कि जब आप सुपर एमलॉड या ओलाइट पैनल यूज़ करके आते हैं ना तो आपको साफ़ डिफरेंस दिखता है कि इस डिस्प्ले में और उस डिस्प्ले में क्या फ़र्क है गाइज अगर आपको फ़ोन को स्विच ऑफ़ करना है और बाद में जब आप फ़ोन को स्विच ऑन करते हो तो स्पेशली आपको ये फ़र्क दिखेगा कि सुपर एवन पैनल जो है वहाँ पर सिर्फ एप्पल को ग्लो करता है लेकिन ये जो पैनल है वो पूरा को पूरा पैनल ही चलने लग पड़ता है यहाँ पर अगर मैं आपको पूरी लाइट्स बंद करके दिखाऊं, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो फ़ोन है वो आलमोस्ट पूरा बंद हो रखा है पूरा डार्क है लेकिन गाइज़ जो सुपर एमोलोट पैनल है ना वो सिर्फ एप्पल लोगो ही ग्लो करते हैं और बाकी बाकी जो पैनल है वो बंद रहता है एक बार मैं आपको आईफोन 13 प्रो का फोन को स्विच ऑफ करके दिखाऊं और फिर गाइज आ, दोनों को ऑन करते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा सुपर एमलॉड पैनल या ओलेट पैनल में तो और जो 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 दूसरी आईपीएस पैनल में क्या फ़र्क होता है वो आईफोन फोन एक्स आर की डिस्प्ले में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी और आईफोन एक्स में भी हमें ओलेट पैनल देखने को मिलता है सो so, दोनों ही आईफोन्स हो गए हैं स्विच ऑफ और अब मैं करूँगा ऑन तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आई फोन में फुल डिस्प्ले ऑन होगी लेकिन आई फोन एक्स में थर्टीन में सिर्फ ब्लैक पैनल दिखेगा अब आप देख सकते हो थर्टीन प्रो में सिर्फ और सिर्फ एप्पल लोगों आपको ज़्यादा पंचयर या ब्राइटर दिख रहा है लेकिन आईफोन एक्स आर की जो डिस्प्ले है वो उस उसकी साइड्स में आप देख सकते हो थोड़ी सी वाइटन वाइटन हो रखी है जो कि ये आईपीएस पैनल को दर्शाती है कहने का मतलब मेरा ये है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस डिस्प्ले के साथ लेकिन ये सुपीरियर नहीं है सो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चलना है लास्ट में बात करते हैं बैटरी बैकअप की अगर अगरवाइज़ आपकी औरिजनल बैटरी है औरिजनल है आई होप आप समझ गए हैं अगर आपकी बैटरी ओरिजिनल है चाहे उसकी हेल्थ कम है सो so, वो बैटरी आपकी बहुत ही कमाल की है क्योंकि गाइज़ अगर आपकी बैटरी बहुत जल्दी डाउन हो रही है बहुत जल्दी डिग्रेड हो रही है लेकिन गाइज वो तीस परसेंट के यहाँ पर आकर तीस परसेंट के ऊपर आकर ऐसी स्टक होगी कि वो आपका दो से ढाई घंटे बड़े आराम से निकाल देगी अगर आपकी बैटरी जो है आपका फोन स्विच ऑफ कर रही है रैंडम शटडाउन दे रही है तो तो आपकी ओरिजिनल बैटरी भी ख़राब हो चुकी है वो आपको रिप्लेस करवानी ही है लेकिन गाइज़ अगर आपकी बैटरी रैंडम शटडाउन नहीं देती आपको जो है फ़ोन को स्विच ऑफ नहीं होने देती किसी ना किसी एंड पर जाकर एक परसेंट पर ही बंद होता है आपका आईफोन तो आपकी बैटरी जो है ओरिजिनल भी बहुत बढ़िया है अगर आपकी उसकी उसकी जो हेल्थ है वो सेवेंटी पर भी आ गई है ना वो भी बहुत बढ़िया है क्योंकि जो डुप्लीकेट बैटरीज हैं वो धोखा दी जाती हैं किसी ना किसी टेम्परेचर के ऊपर आकर मान लो कि हम किसी हिल एरिया में चले गए हैं माउंटेन वाली जहाँ पर ठंड बहुत है तो जो डुप्लीकेट बैटरी हैं वो ठंडी पड़ जाती हैं और उनका चार्ज ऑटोमेटिकली ड्रॉप होना शुरू हो जाता है लेकिन ओरिजिनल बैटरी चाहे वो आ, कम हेल्थ वाली हो वो अपनी बैटरी हेल्थ मेंटेन रखती है और अपनी चार्ज जो है रखती है सो so, आपको जो है मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपकी बैटरी जो है एटी परसेंट साल से अबव है और आपका जो आईफोन है नॉर्मली डिस्प्ले डुप्लीकेट नहीं है क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है डिस्प्ले डुप्लीकेट होने के कारण हमें ब्राइटनेस कम देखने को मिलती है और हम नॉर्मल के मुकाबले ब्राइटनेस को हाई रखते हैं अगर आपकी डिस्प्ले औरिजिनल तो आप ब्राइटनेस भी थोड़ी कम रखेंगे जितनी की आपको ज़रूरत है जितनी की आप देख सकते हैं सो वो चीज़ जो है आपकी डिसेंट बैटरी बैकअप आपको दे देगी बड़े आराम से एक दिन का तो कहीं नहीं ना गया आपका एक दिन में फिर भी थर्टी से थर्टी फाइव परसेंट तक चार्ज जो है पेंडिंग आपको देखने को मिल जाएगा लेकिन अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा हैवी यूजेज है कि आप अपने फोन को वाईफाई से नहीं मोबाइल डेटा से यूज़ करते हो चौबीसों घंटे तो आपको मे बी दिन में दो बार तो चार्ज लगाना पड़ सकता है अगर आप कंटिन्यू यूजेज करते हो लेकिन आप अगर आप नॉर्मली डेली रूटीन वाली यूज़ करते हो सो बड़े आराम से आपका जो है मे बी अगर आपको फ़ोन कॉल या थोड़ा बहुत व्हाट्सएप या फ़ोटोज़ वगैरह लेते हो सो मे बी आपका डेढ़ दिन निकल जाएगा वन एंड हाफ डे निकल जाएगा इस आईफोन के साथ बैटरी बहुत शानदार है बैटरी के मुकाबले में बहुत शानदार है डिस्प्ले के कलर्स के मुकाबले भी बहुत सही है बस ओलेट पैनल नहीं है बाकी इस डिवाइस की बहुत खासियतें हैं जो कि मैंने आपको गिना दी हैं इसकी चार्जिंग बहुत काफ़ी फास्टली हो जाती है अगर हम फास्ट चार्ज लगाते हैं और सेकेंडली इसके स्पीकरस बहुत बढ़िया हैं इसमें ई सिम स्पोर्ट का डुअल सिम स्पोर्टेड है इसमें वायरलेस e चार्जिंग है इसका कैमरा बहुत ही लो लाइट फोटोज कैपेबल है और जस्ट इसमें टेलीफोटो लेंस देखने को मिल नहीं मिलता जिसके कारण हमें टू एक्स मोड देखने को नहीं मिलता लेकिन कई लोगों को वो ज़्यादा मायने रखता नहीं है और इसके स्पीकर्स बहुत बढ़िया हैं इसका सेल्फी कैमरा तो बहुत ही शानदार है गाइज मुझे आई फोन टेन आर से आई फोन टेन में जो आई फोन टेन से आई फोन टेन आर में जो इम्प्रूवमेंट दिखी है मैं इसका फ़ैन हो चुका हूँ इसके सेल्फी कैमरा और इसके स्पीकर की वजह से इसकी फेस आई बहुत फास्ट है uh, कहने का मतलब आपको सतारह हज़ार के बजट में ऐसा आईफोन शायद ही मिलने वाला है सो so, आपको जो है आईफोन फोन एस ई नहीं बाय करना है आईफोन फोन एलेवन बाय कर सकते हो लेकिन उसका बजट हाई चला जाएगा कम से कम पच्चीस से तीस हज़ार के बीच में सो so, आपको आईफोन फोन एक्सर एक ऐसा आईफोन है जो कि आपको अट्ठारह हज़ार से बाईस हज़ार के बजट में मिलेगा ये टॉप ऑफ दी नॉच होने वाला है इस बजट में क्योंकि फेस आई डी बढ़िया कैमराज बढ़िया स्पीकर डुअल सेम एक एप्पल का लोगो और फुल व्यू डिस्प्ले मिलने वाली है आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो को लाइक कर दो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज थैंक यू सो मच